देखो ये सारा एरिया कारगिल है, देखो ये पूरा बहुत सुंदर है यार कारगिल। आई लव जोजिला। तो देख लो हम लोग कहां से आए, श्रीनगर, सोनमर्ग, बलतल, जोजिला पास क्रॉस करके यहाँ मिल गया कावा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने दिया हेलो। दराज विलेज एंड इट इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। भाई जाम निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा विद योगी व्लॉग। दिन हो या रात यात्रा करेंगे साथ। सो गाइस, जैसे आपने हमारी सीरीज का नाम सुना, ये कितना प्यारा सा नाम है, सफरनामा नेवर एंड्स। तो आज सफरनामा चल पड़ा है लद्दाख की तरफ। तो अभी 7 दिन से हम लोग थे KGA ट्रैक पे, जिसके आप एपिसोड देख ही चुके होंगे। तो भाई मजा तो आया होगा, इतनी प्यारी प्यारी जन्नत की वादियां देखने का। क्यों ऋषभ भाई, बहुत मजा आ रहा है, ज्यादा ही मजा आ रहा है, ज्यादा ही मजा आ रहा है भाई। हम लोग ना बड़े रशिंग उसमें भी चलते, पर भाई यात्रा ऐसे ही होती है। हम लोग देखो पूरे नक्शे में कहाँ कहाँ से कैसे घूम रहे हैं ना। तो अभी हम निकल गए हैं लद्दाख के लिए वाया दरास, और भाई मजा आएगा आप लोगों को ये देखने का, सच बता रहा हूँ। चलो डायरेक्ट दरास चलते, क्योंकि देखो ज्यादा दम शूट नहीं कर सकते रास्ते में सब कुछ, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लंबी है, पर अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये जो रूट है वो भी हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमने सुना है कि ये रूट सच में बहुत सुंदर है। तो देखते हैं आप लोग, लेट्स सी, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेट्स बी कमेंट में बात करते हैं कि कैसा है। लेट्स गो। आई लव जोजिला। और जोजिला पास में देख लो मेरे दोस्तों को नेटवर्क है ना, यहाँ मेरा पोस्ट पेड चल रहा है, वजह लगे सबके वजह लगे, बढ़िया स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं, बढ़िया रील अपलोड। अब आ जाओ मेरा यहाँ का, मेरा मेरे फोटो शूट करना है। वांट टू बी वाइल्ड इन जोजिला पास। सफरनामा पहुंचा जोजिला, यात्रा विद योगी ब्लॉग का। और ये रूट पकड़ने का हमारा यही रीजन था, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रूट इन द वर्ल्ड यार। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा डेंजर तो है, पर उतना ही मेस्मराइजिंग भी है गाइस। तो आज के दिन की हमारी यात्रा रहने वाली है सोनमर्ग से ले, जो है 350 किलोमीटर की। बेस्ट थिंग गाइस मैं आपको बताता हूँ कि हम चारों में से कोई भी इस रूट के बारे में कुछ नहीं जानता है, और यही तो मजा आने वाला है यात्रा विद योगी ब्लॉग के साथ एक्सप्लोर करने में। चलो तो यात्रा करते हैं साथ। गाइस तो हम लोग पहुंच गए जोजिला 0 पॉइंट, हां जोजिला 0 पॉइंट, और चलिए चाय, और साथ में क्या चले, बॉम्बे से आया हुआ इसका वेफर। इस बार क्या क्या हमारे पास खाने को है, राशन तो फुल है, बस बनाने की दिक्कत है, सब काम चोर लोग आ चुके हैं एक साथ। भाई नाक देखो, नाक कैसी हो गई। तो बस अब ये 0 पॉइंट क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे, जो आपको आगे दिख रहा होगा 0 पॉइंट बैरियर से, उसके बाद निकलेंगे हम सीधा दरास होते हुए। पता नहीं आज कहाँ रुकेंगे, ये पता नहीं हमको, मोस्टली हम लद्दाख ही रुकेंगे, पर क्या पता बीच में कोई पता नहीं होता भाई। हम कोई प्लान से नहीं चलते ऐसा कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हमारा होता है कि बस निकलते हैं रास्ते में इंजॉय करते करते। लेट्स गो। गाइस तो हम लोग यूटी लद्दाख में एंटर हो चुके हैं। अब हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के लद्दाख आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ के लैंडस्केप कैसे होंगे यार। मैंने देखो गोप्रो भी चार्ज में रख दिया है, अब पर चक्कर है कि स्पेस की दिक्कत है और मेमोरी कार्ड है नहीं अपने पास। साला अपनी जिंदगी में यही है, कहीं मेमोरी कार्ड नहीं है, कभी बैटरी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। देखो पीछे, देखो पीछे, देख लो गाइस, स्नूकर चला हुआ है, बंदे स्नूकर खेल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, मजे लगे, मजे भाई मजे। तो गाइस जैसे मैंने जोजिला पास एक्सप्लोर किया, वैसे आप भी मेरे साथ अभी आगे के रास्ते और एक्सप्लोर करो, यात्रा करते रहो। अब मिलते हैं सीधा हम गोप्रो के लैंडस्केप मोड्स पे। गाइस तो देख लो जोजिला से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे यहाँ पे शिव जी का प्राचीन मंदिर है, तो अपने दर्शन करने आगे। आज सोमवार भी है, हर महादेव। तो चलो अब चलते हैं। वैसे यार मेरे को एकदम से ना वाइब आ गई थी कि दर्शन करना ही करना है, तो मैं आ गया एकदम यार। जय हो प्रभु, बड़ा अच्छा लगता है इन जगहों पे देख के। तो गाइज और ये है यहाँ पे जोजिला वॉर मेमोरियल, आप देख लो यहाँ पे भारत का झंडा, टैंक भी है यहाँ पे। तो यहाँ से एंट्रेंस है, पहले मैं आया ना यार यहाँ पे, पहले मैं गाड़ी लेके आगे चला गया था, मैंने बाहर से ही किया, फिर मेरे को एक का आया सोमवार यार, डबल माइंड होना दर्शन कर लेते,
तो आया, मैंने कर लिया दर्शन। फिर मतलब डबल माइंड नहीं रखना दिमाग को कि अगर करना है तो चलो कर लेते हैं, दो मिनट लेट होंगे, पाँच मिनट लेट होंगे, क्या जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर गाइस, तो वॉर मेमोरियल के अंदर मेरे को जाने का टाइम नहीं क्योंकि हमारी जर्नी है बहुत लंबी। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जोजीरा वॉर मेमोरियल क्यों बना हुआ है। 1948 में एक ऑपरेशन हुआ था हमारे ट्रूप्स ने, तो उनके ही मेमोरी पे बनाया गया। तो उन्होंने नियर द द्रास, जो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से द्रास रह जाता है सिर्फ कितना 20-25 किलोमीटर रह जाएगा। तो ऑपरेशन बाई बिसन, हाँ ऑपरेशन बिसन हुआ था 1948 में, तो उस टाइम के जो ट्रूप्स थे उससे रिलेटेड ये वॉर मेमोरियल है। बाकी अगर आप आ रहे हो जोजीला से थोड़ा सा आगे आके, पास से लगभग तीन चार या चार की रखो पांच रख लो यार, पूरा मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 5 किलोमीटर आगे आपको वॉर मेमोरियल मिल जाएगा। तो गाइस हमने कारगिल में अभी एंट्री करा दिया है, अब हम घुस गए ऑफिशियली यूटी लद्दाख के अंदर। तो भाई अब मजा आएगा, लद्दाख एंटर हो गया, एक चीज हो गई खत्म, अब लद्दाख एंटर। अब लद्दाख के पहाड़ों के मजे लो, पता नहीं यार कहाँ कहाँ से घूम गए, कहाँ कहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए। आर्मी वाले ऑफिसर भी पूछते मनाली से आए हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो, बोला मैं आपको क्या बताए कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ को जा रहे हैं। तो चलो अब मजे लेते हैं, चलो चलो। इतना एक्सप्लोर करने के बाद ये चीज तो मैं समझ चुका था कि हम लोग जा रहे हैं ट्रांस हिमालय के साथ साथ होते हुए। तो अभी हम पहुंचने वाले थे द्रास, और जैसे ही हम द्रास की तरफ को जा रहे थे तो हम लोग सारी ग्रीनरी को छोड़ के जाने वाले थे सूखे पहाड़ों की तरफ, जो थे हमारे लिए लद्दाख के पहाड़। सो गाइज वेलकम टू द यूटी लद्दाख। लद्दाख में है तो ये करना तो बनता है, जो भी ये व्लॉग देख रहा है उसको मेरी तरफ से जूले। गाइस देख लो अभी हम पहुंच गए हैं द्रास, आगे दिख रहा है आपको द्रास विलेज, एंड इट इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट विलेज ऑफ इंडिया भाई, वन ऑफ द कोल्डेस्ट। और कितना सुंदर सा नजारा लग रहा है यार आगे, अब आगे देखते हैं कैसा है, आगे शूट करते हैं अच्छा सा। अभी आर्मी का एक चेक पोस्ट आएगा, वहां पे हम शूट नहीं कर सकते तो आगे जाएंगे। बाकी एक बार और देख लो आप ये सुंदर से नजारे, तो भाई आज सबसे पहले तो बता दूं मैं, हम लोग दराज के पास रुक गए और जानवी का दिमाग हिल गया हुआ थोड़ा सा है। जानवी दिखाओ इसकी शक्ल, दिखाओ यार पीछे कर दो, मैं बताती हूं। नहीं तू कुछ बताई मत, कुछ बता मत, सिर्फ इसको दिखाओ अभी तो अभी इसको गर्मी का सन स्ट्रोक बच गया हुआ है बहुत। जब गर्मी आती है ना मेरे जिंदगी में, तब मेरी जिंदगी के जज्बात बदल जाते, जैसे अभी बदल चुके, अब मुझे गर्मी हो रही है। जब भी हमने दिन में ट्रैवल किया ना इसको सनस्ट्रोक बच जाए एक तरह से, बंदे का इसको हीट करता है, ऊपर चली गई है गर्मी के कारण। तो अभी हम भैया गाइस जैसे आपको बता रहे थे द्रास में रुके हैं, इसकी गर्मी को छोड़ो, इसकी गर्मी अभी इसको सनस्ट्रोक बच जाए, आप मेरी बात सुनो ना। हम लोग पहुंच गए द्रास, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों रोक के रखा हुआ है, अभी बोला कि काम चला है, ये भी नहीं बताया ढंग से, बताया नहीं मतलब, बस बोला अभी बंद है, शायद इनके फूफा की लड़की है शादी है किसी की, तो बस चलो शायद अच्छे अच्छे जैसी लैंडस्केप से पहले का ये रुकाव है, देखते हैं क्या है। तब तक मैं भी यार ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, अगर जितनी देर हो के आधा एक घंटा तो ब्लॉग एडिट करके उसके बाद निकल जाएंगे दराज से। तो गाइस आधा घंटा रुकने के बाद हम लोग निकल गए हैं दराज से, अब बस विलेज के अंदर एंटर हो रहे हैं, मतलब बैरियर से हम निकल चुके हैं विलेज के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो आपको साथ साथ अगर विलेज में क्या अच्छा है वो दिखाते हैं, सीन मतलब ब्यूटीफुल से सीनिक व्यू दिखाते हैं अगर हुए, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है। तो आगे देख लो विलेज के अंदर है हम लोग फाइनली, और ये इंडिया का सबसे ठंडा विलेज बोला जाता है, जो बता रहा था पहले भी आपको, ठंड में झंड बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल जिंदगी झंडी हो जाती है ठंड की वजह से। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो आर्मी में थे, उनकी यहाँ पे पोस्टिंग थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ठंडा विलेज ये हो जाता है सर्दियों में, और काफी रिमोट विलेज लग रहा है मुझे तो, घर दूर दूर है एकदम बढ़िया,
मस्त लैंडस्केप है, थोड़ी ग्रीनरी भी है, बीच ऊपर लैंडस्केप है, बढ़िया से रोड भी बढ़िया है, लोग एकदम कम है और वो तो है। मजा आ रहा है एकदम बढ़िया भाई, मजा तो आ रहा है। देखो भाई पूरा का पूरा विलेज के अंदर कुछ अलग सा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों ने भी, हमारे लिए कुछ अलग होता है ना, हमने नहीं देखा यार इतना बुरखा वगैरह, मतलब अब देख रहे हैं। इधर तो देखा ही नहीं है मैंने, उनके घर मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई, देखो थोड़े गाइस। वजह से हम दरास विलेज के अंदर है ना, विलेज तो सुंदर है, बस हल्का सा जाम लगा है क्योंकि एक साथ ना आर्मी के ट्रक भी आ गए है। ऐसा बड़ा जाम नहीं है शायद, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन चला होगा अभी, और ये लद्दाख में चलता रहता है, बी आर ओ है कि करते रहते कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा मेजर इशू नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, ऐसा 5 मिनट का मिलता रहता है बीच में। तो देखते हैं कैसे खोलेंगे, अभी आर्मी वाले भी आएंगे, देखना आगे से वो ट्रक दिखाओ आर्मी के ट्रक, वो देखो आर्मी आई है एक आगे से, अब देखते हैं खुलेगा तो खुलेगा भाई जाम, आर्मी खुलवा देती है जल्दी। लो भाई जाम निकल गया गाइस, तो पहुंच गए हम दरास मार्केट टाइगर हिल व्यू रेस्टोरेंट। गाइस तो और यहाँ पे सब कुछ दरास के आगे मेरे को जो भी दिख रहा था चीजें, ज्यादातर बोर्ड उर्दू में लिखे हुए मिल रहे थे। आगे निकलने वाले हैं, दरास को क्रॉस कर दिया है हमने ऑलमोस्ट, लेट्स सी आगे क्या है, होना तो जन्नत चाहिए। और देखो अपने साथियां दिखाओ, आजकल ऋषभ भाई भी ब्लॉग में फुल पावर अपने साथ चले होते हैं और मजा आता है यार ब्लॉग में, देख रहे हो इनकी कमेंट्री लगती है मस्त वाली। तो नहीं कम से कम इंस्टाग्राम पे आपको योगी भाई को फॉलो करना होगा, यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना, सब कुछ करना होगा, तभी आपको किसी को भी यात्रा करनी है बस एक बार योगी भाई को डीएम करो। मेरा चैनल जो लोग मेरे को कंटिन्यूअसली देखते हैं, हम लोग कितना घूमते हैं भाई, कितना घूमते हैं, आपको मन है घूमने के लिए ना, मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियली तो होना ही पड़ता है स्ट्रॉन्ग, और हम ना होते हुए भी कर लेते हैं, साथ में मेंटली फिजिकली क्योंकि बहुत स्ट्रेस आ जाता है यार कई बार इतना घूमते हुए, की कुछ चीजें अपने हिसाब से चल रही होती है, कुछ चीजें अपने से ऑपोजिट चली होती है, कुछ चीजों के रेसिप्रोकल आ जाते हैं, तो सब सहना पड़ता है, पर we always go on, सफरनामा never ends. Yes, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है योगी भाई को डीएम करो, आपको उनके साथ ट्रिप प्लान करने है बस डीएम करो, इतना सोचने की नीड ही नहीं है कि क्या वो कैसे, जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं है, आप बस एक बार अप्रोच करो, आपके साथ कहीं भी चलेंगे जहाँ आप बोलेंगे बिल्कुल उसी टाइम पे। मैं तो घर ही नहीं जा पा रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 1 महीना और अभी योगी भाई के साथ, 1 महीना और नहीं जा रहे थे। ये देखो यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है सब कुछ, चट्टान गुट बोध मूर्ति। दोस्तों पता है हम लोग रास्ते में कार रुक गए और मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे रुकना जरूरी है और आपको भी दिखाना जरूरी है। देख लो गाइस कारगिल वॉर मेमोरियल, तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते, बस आपको जाना है, आधार कार्ड दिखाना है अपना। इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रोमिस आई विल किल डेथ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे PVC। भाई सल्यूट है भाई इनके लिए, तो सल्यूट है सच में। तो भाई जाते हैं एंट्री करते हैं, वहाँ पे मैं शूट नहीं करूँगा यार, जहाँ आर्मी होती मैं शूट नहीं करता हूँ, कई बार मेरे साथ सीन हो गया है, शूट नहीं करेंगे वो, देख लो यहाँ से एंट्रेंस है, फिर ये चले अपने लौंडे मेमोरियल देखने, चलो मिलते हैं अंदर देखते क्या है। गाइस तो देख लो घुस के हम लोग एंटर हो गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, कितना प्यारा लग रहा है यार अपने इंडिया का झंडा यहाँ पे, और ये देखो प्लेन बनाया हुआ है यहाँ पे, फाइटर जेट C-1538। जय हिंद जय भारत। तो गाइस एक बार मैं दिल से सल्यूट करता हूँ अपने 99 के वॉर के जितने भी सिपाही थे उनके लिए, जिनकी वजह से आज हम सेफ बैठे हैं घर पे। और कारगिल वॉर मेमोरियल आओगे आप यहाँ आके लिटरली ऐसा फील कर पाओगे कि भाई हमारे
आर्मी ने हमारे लिए क्या किया, आज का फ्यूचर उनकी वजह से हमारे लिए क्यों सेफ है, व्हाई आर्मी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ तो हम शूट कर रहे थे, पर कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हम शूट नहीं कर पा रहे थे। जिसने वो मूवी देखी है ना शेरशाह विक्रम बत्रा, बस वही वाला सीनेरियो हुआ था यहाँ पे, कारगिल वॉर 1999 की। एक बार फिर से जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू इंडियन आर्मी फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर सिक्योर। गाइस यार मजा आ गया यार, मतलब कारगिल में जो वॉर है ना उस टाइम का अभी तक मैं सुनता रहता हूँ, किसी के घर वाले बताते रहते हैं, तो सही है। अब जानवी गैस पहुंच गए वापिस। कितनी गर्मी अब कम होगी, गर्मी बादल आ गए, गर्मी तो कुछ खाते है, चेहरा तो देखो कुछ खाते है चलो। गाइस तो चाय और एक एक समोसा रगड़ने के बाद हम लोग अपने सफरनामा पे फिर से चल पड़े और अगली डेस्टिनेशन थी हमारी कारगिल। बट वही बात है ना, डेस्टिनेशन ज्यादा मैटर नहीं करते, उसका जो सफर था वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सफर था गाइस। I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. हाँ तो गाइस म्यूजिक के साथ साथ अच्छा लगा ना आपको, तो पर अभी सीनेरियो ऐसा है ना कि हम लोग मस्ती करते हुए चले तो हमको ले रह गया है 278 किलोमीटर। भाई हम लोग टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो अब हम भगाने वाले, अब ज़्यादा सीनेरियो नहीं दिखाएंगे रस्ते का, अब गोली शूट होंगे। तो अब आपसे सीधा मिलेंगे, बीच में लंच करने रुकेंगे अगर कहीं हम रुकेंगे, अगर कहीं तो, वरना तो सीधा ही रफू चक्कर। गए चलते हम लोग ना, पहले तो आपको बता दें हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में थे, अब हम एक्चुअल कारगिल के अंदर एंटर हुए हैं। अब देखते हैं कैसा है कारगिल, मैं भी फर्स्ट टाइम अंदर जा रहा हूँ कारगिल के, तो यहाँ से देख लो रास्ता, खंगराल लामायुरु निमो ले, हमने जाना है ले 225 किलोमीटर। लामायुरु जाए तो हम लोग जांसकर भी पहुँच सकते हैं, क्या बोलते हो गाइस? हेलो कौन, क्या बोलते हो गाइस? चलो यार सीधा चलते हैं, ले ही चलते हैं, 225 किलोमीटर रह गए, कुछ नहीं है, स्पीड अब 80-100 की मेंटेन रखेंगे तो पहुंच जाएंगे, बस हमारा रुकना और शूट करना बंद हो जाए ना। कारगिल अब सबसे पहले तो आपको घुसते ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा यहाँ पे, दो पेट्रोल पंप, एक भी नहीं भाई, दो पेट्रोल पंप अपने पास है भाई, अपना फुल से थोड़ी सी कम है, एक डंडा कम हुई अभी। तो गाइस देखो हमको रास्ते में ना जब भी हमको भूख लगी हमको कुछ ना कुछ मिलता ही है, यहाँ मिल गया कावा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने दिया हेलो, थैंक यू देने के लिए, ये आपका नाम क्या है? मुश्ताबा। आपका क्या? जीशान। उसका आया। आयान। तो दे क्यों रहे थे यार जानवी, क्या बोलते, क्यों दे रहे थे? मातम बना रहे हैं। चलो अब भाई ब्रेड और ये मिल गया अपने को, थोड़ा सा तो पेट भरेगा। तो हम रुकने ही वाले थे ना अभी कारगिल में आगे, कारगिल के अंदर किसी ढाबे में, पर देखते हैं अब रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, अब हमारा पेट भर जाएगा तो ठीक है। तो भाई आ जाओ देख लो कारगिल की सुंदर सी वादियाँ। मातम है, खुशी है, मातम में काले कपड़े। तो भाई कारगिल देखो यार कितना बड़ा है, ऐसे दिखने में लग रहा था पहले छोटा होगा, पर ये देखो बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है कारगिल देखो। दिखा दिया जाए कारगिल भी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है अंदर सिटी में, तो रुक के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो ये सारा एरिया कारगिल है, देखो ये पूरा बहुत सुंदर है यार कारगिल, ऐसे सच में क्यों जानवी? मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है ना मेरे को लगा नहीं था पीछे रास्ता देख के इतना सुंदर होगा, ऑसम है यार। भोलेनाथ ही क्या हो रहा है, जो चीज़ें मैंने अपने बचपन से लेके सपने में ड्रीम किया था कि मैं यहाँ जाऊँगा, कभी जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, एंड टुडे आई एम हेयर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हेयर।
गाइज, और यहाँ का जो रास्ता है ना वाया कारगिल होके आपका लेक है भाई, इतना प्यारा रास्ता है, मक्खन की तरह है, कहीं पे भी ऑफ रोड नहीं है, बिल्कुल चकाचक। यू गाइज कैसा लगा तुम लोगों को ऐसा मक्खन रास्ता है? पीछे वाले बताओ भाई लोग, तुम लोग बता सकते हो एक्सपीरियंस। सो जाओ भाई, अभी 200 किलोमीटर मेरे को लग रहा है सारा ऐसा रास्ता मिलने वाला है, बिल्कुल चकाचक। जैसे जैसे सफरनामा ले की तरफ बढ़ रहा था तो भाई ले लद्दाख की खुशबू आने लग गई थी मिट्टी से ही। तो देख रहे हो ना ये वाला व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार आगे। तो ये आगे अभी लामायुरू की तरफ जा रहे थे, और ये लामायुरू जो जगह है भाई, अगर आप फुल मून में आते हो तो हर कुछ देखने को मिलेगी। हम लोग तो अभी दिन में निकल रहे हैं, दिन में भी क्या यार, रात में ही निकलेंगे, पर फुल मून है नहीं। यात्रियों वेलकम टू नामिकाला, नामिकाला पास, एल्टीट्यूड 12,198। ऐसे पता नहीं यार कितने पास ही सरप्राइजिंगली आ जाते हैं हमारे पास, और ये कोई बार नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे बार भाई तुम लोग, क्यों नहीं आ रहे? ऋषभ ब्रो यार आ जाओ यार। ऋषभ भाई नाराज हो गए, क्या हो गया है? भूखे है, बस अभी खाना मिल जाएगा भाई। बी आर ओ थैंक यू BRO। और भाई उस साइड को ना नंगा पर्वत भी दिखता है। पटना यार यहाँ पे देखो हवा की पी चली है तो साउंड में थोड़ा दिक्कत आएगा आपको, नंगा पर्वत दिखता है कहीं दूर वहां दूर। चलो गाइज एक और पास हो गया अपनी लिस्ट में। ये गाड़ी भाई पूरा हिमालय घूम रही है, पूरा का पूरा हिमालय घूम चुकी है ये गाड़ी। बाकी ये रहा पास, इसके बाद हम एंटर करने वाले सीधा नेक्स्ट वैली पे, ले की तरफ को। गाइज तो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो देख लो हम लोग कहाँ से आए हैं। श्रीनगर, सोनमर्ग, बलतल, जोजिला पास क्रॉस करके मतियान, पंद्रास, ये वॉर मेमोरियल, द्रास, उसके बाद कारगिल पहुंचे, कारगिल से लेके ये देख लो आप आगे नामकिला पास टॉप। अब हमारा रास्ता है ले। पहली बार जो आए थे वो ये वाला रूट लाए थे क्या, बातालिक कारगिल वाला? नहीं, तो मैंने पकड़ा था ये जो है ना ये वाला, ये इससे यहाँ पीछे पीछे सुरु वैली नहीं है जो नीचे पत्थर साहिब वगैरह लामायुरू नहीं, इसके जंस्कर से इधर को सीधा जाते थे कारगिल को। अच्छा। मतलब जंस्कर के सुरु वैली वाला रास्ता नहीं है जो है। हाँ। ये वाला तो आगे भाई वैली सीनेरियो चेंज होने वाला है बिल्कुल। हर हर महादेव। ये वाला बोला था रोमा कैफे में। तो यात्रियों हम लोग हो चुके हैं ले में एंटर और अब ले में कहाँ जा रहे हम, जानवी लेके जा रही है हमको, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पर जल्द पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी यार नहीं पता लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम सुबह तक कहीं गाड़ी में ही मिलेंगे। नहीं पर यार जिस रूट से हम आए ना अब रात हो गई थी इसलिए हम शूट नहीं ले पाए उस चीज का, लामायुरू वगैरह हो गया, इतना अच्छा रास्ता था रात के टाइम, कितना प्यारा लग रहा था वो रास्ता। और करो टाइम पास, और टाइम पास करते करते ना आप उस रूट के लिए एक बार हमको ना दिन में देखने भी जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कभी बनाएंगे प्रोग्राम, लेट्स सी। एयरपोर्ट वाला रास्ता हम जाने यहाँ से अब लेफ्ट, पहुंच गए अब ले के अंदर ही पूरा मार्केट के। क्या उड़ाया हमने भाई, कुछ तो उड़ाया हमने गाइस। तो ले पहुंचने के बाद ना एक अपने को एक फ्रेंड मिल गए थे, तो उन्होंने हमको बढ़िया सा एक अरेंजमेंट करा दिया। देखो कितना अच्छा सा अरेंजमेंट कराया हुआ है। कौन सी जगह पे यार, हम क्या लिखा हुआ इस पे, लॉन्चे विला। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम होगा सुनाशु, 12:51 तो 1 बज रहे 12:51 हो गए। तो गाइज अब देखो जूते उतारते हैं, एडिट देखते होगा नहीं होगा, शायद एक दिन लेट डाल दूंगा जो अभी वाले ब्लॉग चले हुए हैं। तो क्या करूं भाई, नींद भी जरूरी है, कंटिन्यूस ड्राइव किया सुबह 9 बजे से लेके अभी रात तक,
बीच में ना यार एक दूसरे का जैसे द्रास में हमको एक डेढ़ घंटा रुकना पड़ गया, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गए। बाकी हम लोग थोड़ा शूट करते मस्ती करते करते आते तो लेट हो ही जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको अब फेज टू, कल से एक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। कल सबसे पहले गाड़ी चेक करवाएंगे ले जाके, थोड़ा राशन लेंगे, फिर आपसे फेज टू के एडवेंचर में मिलेंगे। कल से कुछ नया स्टार्ट होने वाला एडवेंचर। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यात्रा विद योगी व्लॉग्स, दिन हो या रात, यात्रा करेंगे साथ। बाय बाय।